और संसद भवन पर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की आज 22वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में देश के 9 सैनिक शहीद हो गए थे। इसमें 5 हमलावरों को सुरक्षा बलों ने मार भी गिराया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात भी यहां पर की। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज हम 2001 में संसद हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को याद कर रहे हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। खतरे के सामने उनका साहस और बलिदान हमारे देश की स्मृति में हमेशा अंकित रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम की यहां पर शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा भी यहां मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस समारोह में शामिल हुए। वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ले ली थी। उनके साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम पद की यहां पर शपथ ली। एमपी के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने इन्हें अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम भी महाराष्ट्र के, उसके अलावा समेत जो नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सभी बड़े नेता आज यहां मंच पर मौजूद आए जब मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली। और वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शपथ ग्रहण तो हो चुका है अब एमपी के सीएम का, लेकिन जो शपथ ग्रहण समारोह का स्थल था वहां पर एक अजीब सा नजारा इस परेड ग्राउंड के बाहर देखने को मिला। यहां पर जब शपथ ग्रहण के लिए शिवराज सिंह चौहान का काफिला पहुंचा तो उनके समर्थकों ने काफिले को रुकवाया। बड़ी संख्या में यहां पर समर्थक वहां पर मौजूद थे जो शिवराज सिंह चौहान से मिले और मामा मामा के नारे भी लगाए। इसमें महिलाएं थे, युवा थी, बहुत एक बड़ी संख्या थी उनके समर्थकों की। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों का जातिगत जनगणना का कार्ड फेल हो गया है। 2024 के लिए क्या है संकेत और क्या जनता करेगी मोदी की गारंटी पर भरोसा, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव के मामले में भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस ऐप के को फाउंडर रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि उप्पल की गिरफ्तारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई है। जल्द ही उसे डिपोर्ट करके भारत लाया जाएगा। रवि उप्पल महादेव ऐप मामले का मुख्य आरोपी में से एक है। तो वहीं इस केस का फाउंडर जो है, जो मुख्य आरोपी है सौरभ चंद्राकर, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार जारी है।